नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी. मैं आपको पहले स्पायरल दिखा देता हूँ. दिस इज द स्पायरल. देखो ये आपका एक सेमी सर्कल है. दिस इज द सेमी सर्कल 1, सेमी सर्कल 2, सेमी सर्कल 3, सेमी सर्कल 4. इस तरह से स्पायरल बना हुआ है. जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसकी लेंथ हमने ले ली L1, क्वेश्चन में दी गई है. सेकंड सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो क्या है L2. थर्ड सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो क्या है L3. फोर्थ सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो क्या है L4. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो यही आपको यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी. सेंटर का मतलब जैसे कि देखो ये जो ये वाला जो सेमी सर्कल है इसका सेंटर क्या है ए, तो इसका क्या हो गया बी. फिर ऊपर जाओगे तो सेंटर क्या हो जाएगा ए, नीचे आओगे तो सेंटर क्या हो जाएगा बी. तो जितने भी ये सेमी सर्कल है इनका सेंटर क्या है ए और बी है. जितने भी ये सेमी सर्कल है इनका सेंटर क्या है ए. ऊपर वाले जो सेमी सर्कल बिलो द लाइन जो सेमी सर्कल है इनका सेंटर क्या है बी, ए और बी. जैसे फर्स्ट वाला जो सेमी सर्कल है जिसकी लेंथ L1 है उसका सेंटर क्या है ए. ये जो सेमी सर्कल है जिसकी लेंथ L2 है उसका सेंटर क्या है बी. ये जो सेमी सर्कल है जिसकी लेंथ L3 है इसका सेंटर क्या है ए. और ये जो सेमी सर्कल है जिसकी लेंथ L4 है इसका सेंटर क्या है बी. इसका सेंटर क्या है बी. यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलें आगे. चलो जी फिर आते हैं क्वेश्चन पर. क्या कहा जा रहा है? अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी. स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, जो लाइन से ऊपर है उन सभी सेमी सर्कल का सेंटर ए है. जो फर्स्ट वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 0.5 है. अब ध्यान से देखो, जो L2 वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 1.0. थर्ड वाला जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस क्या है 1.5. फोर्थ वाले की क्या है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है आपको? फिर से आओ फिगर पर. ये जो फर्स्ट वाला सेमी सर्कल है जिसकी लेंथ L1 है इसकी रेडियस है 0.5. सेकंड वाला जो सेमी सर्कल है अब 0.5 बढ़ते जा रही है. सेकंड वाला जो सेमी सर्कल है जिसकी लेंथ L2 है इसकी रेडियस ये है 1. फिर ये जो थर्ड सेमी सर्कल है जिसकी लेंथ L3 है इसकी रेडियस 1 से 0.5 और बढ़ गया तो 1.5. अब ध्यान से देखो AP बन रहा है. फोर्थ वाला जो ये सेमी सर्कल है जिसकी लेंथ L4 है, जिसकी लेंथ कितनी है L4, इसकी ये सेमी सर्कल की ये जो सर्कमफ्रेंस है इसकी लेंथ कितनी है L4, ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 0.5 के डिफरेंस से ये रेडियस बढ़ता जा रहा है. फर्स्ट वाले का 0.5, सेकंड सेमी सर्कल का रेडियस 1, थर्ड वाले का 1.5, फोर्थ वाले का 2.0. ठीक है, एज शोन इन द फिगर. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? तो अगर ऐसे ये जो सेमी सर्कल है ये तो आपको चार दिखाई दे रहा है, फिर ऊपर बनेगा L5, फिर L6, L7. तो ऐसे 13 consecutive सेमी सर्कल की टोटल लेंथ आपको फाइंड करनी है. मीन्स L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 सो ऑन अप टू L13. आपको 13 consecutive सेमी सर्कल की टोटल लेंथ फाइंड करनी है. क्या होगी पाई की वैल्यू? क्या लेनी है आपको? 22/7. पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको? 22/7. ठीक है, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलो जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत कैसे करोगे?
लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू, सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, ऑफ सेमी सर्कल। भाई सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, जो सेमी सर्कल की लेंथ है, सर्कल की लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो होती है 2πr। जैसे कि मैं अगर यहाँ एक सर्कल बनाता हूँ तो ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसकी लेंथ कितनी है, 2πr। तो इसी तरह से अगर आप सेमी सर्कल लेते हो, इसी तरह से अगर आप सेमी सर्कल यानी कि सर्कल का हाफ, तो सर्कमफ्रेंस का हाफ कर दो, तो जो सेमी सर्कल होता है उसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है वो क्या होती है, वो होती है पाई आर। सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो क्या होती है, पाई आर। तो इट इज़ इक्वल टू पाई आर, इट इज़ इक्वल टू पाई आर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आपको कहा जा रहा है टोटल ऐसे टोटल 13 सेमी सर्कल की लेंथ बताओ, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अप टू L13। तो आपसे पूछा जा रहा है इस तरह से अगर आप 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे तो उनकी टोटल लेंथ क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नाउ टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, जिस तरह से पूछा गया है, पूछा कैसे गया, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल, कि भैया ये जो स्पाइरल बन रहा है, ये जो इस तरह से स्पाइरल बन रहा है, तो ये जो एक स्पाइरल बनेगा 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल का, उसकी टोटल लेंथ क्या होगी। क्या पूछा जा रहा है आपसे, कि ये जो स्पाइरल बनेगा, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल, ये आपसे पूछा गया। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल्स, मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल्स, तो क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट सेमी सर्कल है तो उसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, पाई आर वन, तो उसकी लेंथ होगी पाई आर वन। सेकेंड वाला है उसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, पाई आर टू। थर्ड वाला क्या होगा, पाई आर थ्री। ऐसे सो ऑन, जो 13 सेमी सर्कल होगी उसकी लेंथ क्या होगी, पाई आर थर्टीन, पाई आर थर्टीन। अब देखो अगर मैं यहाँ से पाई कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर थर्टीन, अप टू क्या आ जाएगा, आर थर्टीन इक्वल टू पाई, इक्वल टू पाई। फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियाई एज पर क्वेश्चन क्या है, 0.5। अब 0.5 ऐड करते जाओ, सेकंड सेमी सर्कल की रेडियाई क्या है, 0.5 इसमें जोड़ दो 1, थर्ड वाले की क्या है 1.5। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे भी देखो एक लिंक बन रहा है, 1 का हाफ 0.5, 2 का हाफ 1, 3 का हाफ 1.5। इसी तरह से जो लास्ट सेमी सर्कल होगा उसकी रेडियस क्या होगी, 13 का हाफ, दैट इज 6.5, दैट इज 6.5। अब देखो 1 से अगर मैं 0.5 को माइनस करता हूँ तो क्या आएगा, 0.5। 1.5 से 1 को माइनस करता हूँ तो भी क्या आएगा, 0.5। तो ये एक AP है, इट इज़ एन AP, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये एक AP है। ये ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो क्या बन रहा है, इट इज़ एन AP विथ कॉमन डिफरेंस, इट इज़ एन AP विथ कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 0.5, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 0.5।
क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, 0.5। चलें आगे। ठीक है, तो पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है हमें इसको सॉल्व करना है। नाउ 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस सो ऑन अप टू 6.5, ये क्या है? एक एपी है, इज एन एपी। और ये इसकी लास्ट टर्म है जो इस एपी की 13th टर्म है, 1, 2, 3 अप टू 13। तो ये बेसिकली इस एपी की लास्ट टर्म है। ठीक है, हेयर ए एन लास्ट टर्म इज इक्वल टू 6.5, ए एन इज इक्वल टू 6.5। अब एन की वैल्यू निकाल के भी दिखा सकते हो, तो ए एन का मतलब क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो गया? 6.5। वैल्यू ऑफ ए दैट इज 0.5 प्लस एन माइनस 1, वैल्यू ऑफ डी, डी कितना है आपका? 0.5। तो ये हो गया 0.5 इक्वल टू क्या हो गया? 6.5। तो क्या होगा? 0.5 विद इन ब्रैकेट एन माइनस 1 इक्वल टू 6.5 प्लस है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 0.5 विद इन ब्रैकेट एन माइनस 1, 6.5 माइनस 0.5, ये हो जाएगा 6। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, डेसिमल रिमूव करोगे न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा। तो 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, तो ये n माइनस 1 इक्वल टू 12 हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 13। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर जो फाइंड करना है वो सम ऑफ 13 टर्म्स फाइंड करना है आपको। यहाँ पर जो ये जो सम है वो क्या फाइंड करना है आपको? SN फाइंड करना है, SN का मतलब सम ऑफ 13 टर्म। और इस AP की लास्ट टर्म आपको गिवन है, इस AP की जो लास्ट टर्म है वो आपको गिवन है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, इस AP की लास्ट टर्म आपको क्या है? गिवन है। तो अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप क्या कहोगे? नाउ SN इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस ए एन, SN इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस ए एन, एंड इट इज इक्वल टू, अब आपको क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू क्या है? 13, विच इम्प्लाइज S13, एन की जगह क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/2 ए प्लस ए 13, ए प्लस ए 13, विच इज इक्वल टू 13/2 ए, वैल्यू ऑफ ए क्या है? फर्स्ट टर्म दैट इज 0.5, ए 13, दिस इज द ए एन और एन की वैल्यू क्या है? 13। तो ए 13 क्या है? 6.5। तो ये हो गया आपका 6.5। फिर हो गया यहाँ तक? ठीक है, इट इज इक्वल टू 13/2, 6.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा? 7, क्या हो जाएगा? 7। तो ये आ गया 13/2 इंटू 7। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल इसके इक्वल था, से इक्वेशन नंबर वन टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल इक्वल टू दिस वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। Now, equation 1 can be written as total length of spiral, total length of spiral equal to क्या है? pi
इनटू ये वैल्यू 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 अप टू प्लस 6.5। और ये जो पूरी वैल्यू है आपकी, ये जो पूरी वैल्यू है आपकी वो किसके इक्वल आई है, 13/2 इंटू 7। तो इट विल बी इक्वल टू पाई, इस पूरी वैल्यू की जगह आप लिखोगे 13/2 इंटू 7। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7। तो भैया 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 11 इंटू 13 दैट इज 143 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस दो क्वेश्चन बचे हैं अब आपके, और ये जो रिमेनिंग टू क्वेश्चन है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19।